हाय एवरीवन, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं ताजमहल की तरफ। सनराइज दिखाना था लेकिन वो मिस हो गया। पापा कह रहे थे कि 5:57 पे होगा सनराइज, बट जल्दी हो गया। चलो ताजमहल से सनराइज नहीं दिखा सकता, पर अभी वो मेट्रो के पिलर से सनराइज हो रहा है वो दिखा देता हूँ। चलो सनराइज हो गया, अब ताजमहल अलग से दिखा दूंगा, माफ कर देना जनता प्लीज। इसके ताजमहल के अंदर जाने के 2 गेट हैं, एक वेस्ट गेट और एक ईस्ट गेट। हाँ सर, यस, है ना? एक गाइड है सामने बैठे हैं। थैंक यू सर। तो ये वेस्ट गेट तो बिल्कुल पास ही था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था। पार्किंग थोड़ा दूर था सर। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि पैदल ही आ जाते तो ठीक रहता। तो हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग थोड़ी सी दूर है और ईस्ट गेट और भी ज्यादा दूर है। तो यहाँ प्रोसीजर ये है कि वेस्ट गेट की पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर वहाँ से गोल्फ कार्ट सीधा गेट पे ड्रॉप करती है ताजमहल के। अच्छा, ये शाहजहाँ पार्क है, शाहजहाँ गार्डन है। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है और काफी अच्छा है। ये नॉर्मल पब्लिक के लिए ताकि वो आके वॉक कर सके। सब आ सकते हैं। हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, अभी आएंगे। आएंगे ना मम्मी, गार्डन पसंद है मम्मी को। अच्छा, कल में और आज में क्या कॉमन है? कल भी हम दोनों ब्लू में थे और आज भी ब्लू में है। मैं एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू। हाँ सही है, बस इतना फर्क है। ताकि पता चल जाए जनता को कि बेटा कौन और मम्मी कौन है। हाँ, बिल्कुल। आज मैं भी ब्लू में हूँ। आप भी ब्लू में हो, क्या बात है। गाइड भाई चेंज कराओ। सो हमारे साथ जो गाइड बैठे इनका नाम प्रदीप राठौर है। इनके साथ में इंटरेक्शन कर रहा था पूरे रास्ते, तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। तो स्कूल टाइम से गाइड की जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम। काफी पैशन है आपको? यार आप गाइड का शौक है सर। गाइड का ही शौक रहा है, बताओ। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है भाई जनता। स्लिप कटेगी सर ना, स्लिप ले लेना सर। अच्छा, तो ये अगर एज अ गाइड काम करना हो तो कुछ वो होता है क्या, रेगुलेशन? लाइसेंस फॉर योर स्किल। लाइसेंस? यस, लाइसेंस लेना पड़ता है सर। अच्छा, गाइड के लिए भी लाइसेंस चाहिए? ये तो आज पहली बार पता चला है मेरे को। नहीं ऐसा नहीं, लाइसेंस लेना पड़ता सर। अच्छा, कितने साल के हो आप? मिनिमम 25-24। ओके ओके, क्या बात है। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। हाँ, पसंद इसलिए चल रहा है सर, क्योंकि ताजमहल के पास कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है सर। इस चीज़ से पोल्यूशन की बहुत दूर है सर। हाँ, दोनों साथ में, दोनों दो हैं। दो का ले लो। तो गाइड बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है सर? मैं आपको बता दूँ सर, इसकी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है सर। अच्छा। और पेपर भी लखनऊ यूपी टूरिज्म के हैं सर, वहाँ से लाइसेंस मिलता है लखनऊ सर। यूपी टूरिज्म से लाइसेंस बनता है? यस, मैं इस बार भाई पढ़ाई, मतलब कोई एग्जाम नहीं होता है? हाँ, एग्जाम होता है सर। इस पर एग्जाम होता है, इसका पेपर होता है, इसका पढ़ाई पेपर देने के बाद उसका आपका ऑनलाइन लिस्ट में नाम आ जाएगा। अच्छा अच्छा, खुद लखनऊ बुलाएंगे देने के लिए। अच्छा, जब आपको सर दिखा देता हूँ, जिला सर देखिए मैं क्या क्या दिखा रहे हो? वो आपका इसका वो दिखा देता हूँ पेपर सर, उसका क्वेश्चन पेपर। नहीं नहीं नहीं, जो इसके फॉर्म निकले हैं सर। अच्छा, फॉर्म निकला हुआ है गाइड की जॉब का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब लिंक शेयर कर दूंगा इसका। यूपी टूरिज्म के, देखिए सर, लोकल गाइड का निकला। इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म? यस, मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। तो इसमें कुछ ग्रेजुएशन भी होती है क्या? अच्छा, हाई स्कूल इंटर तो मैंने है ये। अच्छा, और ग्रेजुएशन ला सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस ला सकते हैं। हां हां हां, ये है सीधा। अच्छा। ये है गोल्फ कार्ट, इसके अंदर जाएंगे, बैठ गए भी सब के सब। सो इसमें 2 टिकट्स होती हैं, एक 45 की और एक 245 की। 45 के अंदर जो अंदर ग्रेव वाला एरिया है वहाँ नहीं जा सकते ना, उसमें वसूलियम। अच्छा, वसूलियम में नहीं जा सकते। 245 में अंदर तक जा सकते हैं, जो वाइट वाली बिल्डिंग है। अब जो वाइट वाली बिल्डिंग है उसमें जाने के लिए ये शू कवर भी देते हैं, या तो नंगे पैर जाओ या शू कवर पहन के जाओ, जूते के साथ नहीं जा सकते। चलो बढ़िया, ऐसी वाहन थोड़ा मेंटेन रहेगा। अब हम ईस्ट गेट से एंटर करेंगे, है ना? वेस्ट गेट से। ओके, ये रास्ता है जाने के लिए वेस्ट गेट तक। बहुत ग्रीनरी है भाई, अच्छा लग रहा है देख के। ये वेस्ट गेट है सामने। ये इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्यों लिखा हुआ है जगह जगह? ये सारा ये रेस्टोरेंट सर। अच्छा, उस रेस्टोरेंट के लिए वहाँ पे। ओके, पहले यहाँ पर एक शॉप थी सर। अच्छा, पापा की वो बंद हो गई सर, के कोविड की वजह से लॉस हो गया उनको। ओहो, इसलिए बाहर सेव कर दिया। अच्छा, यूपी टूरिज्म के बाहर सेव कर दिया। अच्छा, तो बाहर दिखाऊंगा आपको दिखाने के लिए। यहाँ से एंटर किया हमने अभी। मेरे को कैमरा बंद करना पड़ गया था बिकॉज वीडियो लेनी हर जगह अलाउड नहीं है। तो जो एंट्री गेट था जहाँ पे टिकट चेकिंग हो रही थी वहाँ पे बंद करना पड़ गया था मेरे को। कोई नहीं, अब ऑन कर दिया दोबारा। सर मैम, पहले आपको वेलकम टू ताजमहल सर। आप सर इस जगह खड़े हैं, इस जगह को बोलते हैं सर फोर कोटिया। इसको फोर कोटिया को बोलते हैं ताजमहल के। सर फोर गेट है, इसके फोर ही गार्डन है।
मैं आपको गेट काउंटिंग करता हूँ। फर्स्ट वेस्टर्न गेट हमने एंट्री किया सर, सेकंड ईस्टर्न गेट, राइट साउथ गेट, लेफ्ट नॉर्थन गेट, टाइगर फोर गेट एंड द फोर गार्डन एंड द गार्डन काउंटिंग प्लीज। फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन एंड टू गार्डन एट द फ्रंट साइड, फोर गेट फोर गार्डन नेम फोर कोटिया। ताजमहल एंट्रेंस ओनली टू गेट, ओनली वेस्ट ओनली ईस्ट सर। वेस्टर्न गेट इज द जनरल गेट, वेरी क्राउड यूज द वेस्टर्न गेट सर। ईस्टर्न गेट द वी आई पी गेट, वी आई पी एंड सेलिब्रिटी एंट्रेंस ओनली यूज द ईस्टर्न गेट सर। ईस्टर्न गेट आउट साइड फाइव स्टार होटल सर। साउथ गेट वेरी फेमस गेट इज अ नेम लेबर कॉलोनी गेट, इज ए लेबर। ताजमहल के अंदर 20,000 वर्कर थे जो ताजमहल को कम्प्लीट करते हैं, साजन ने अपने वर्करों को रहने के लिए इसके बैक जगह दी सर। इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट, जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे खुलेगा मैम और 5 बजे क्लोज होता है मैम। नो एंट्रेंस ओनली एग्जिट यूज, आज वही टाइमिंग यूज़ कर रहे हैं, वर्कर 8 बजे वर्क करना देते सर, इसलिए 8 बजे ओपन होगा सर। ताजमहल का नॉर्थन गेट, नॉर्थन रॉयल गेट, प्रिंसिपल गेट, ताजमहल मेन एंट्रेंस गेट। गेट के पीछे डॉम दिख रहे वाइट वाले सर, 11 फ्रंट साइड है, 11 इसके अंदर बैक साइड, 11+11 22। इससे मालूम पड़ता है ताजमहल कंप्लीट टोटल 22 ईयर्स। ताजमहल स्टार्टिंग 1631 एंड कंप्लीट 1653। दैट टाइम दिस नो कैलेंडर, नो कंप्यूटर, नो कैलेंडर, वन डाउन वन ईयर, द सेकंड डाउन सेकंड ईयर। इससे टोटल 22 डाउन, ताजमहल कंप्लीट टोटल 22 ईयर्स। एंड वन मोर थिंग, एंड द फ्रंट गेट द ब्लैक ब्लैक राइटिंग ऑफ द वाइट मार्बल फ्रंट गेट, आप देख रहे वाटर ब्लैक राइटिंग लिखा है मार्बल के अंदर। आपको दूर से कलर पेंटिंग लग रहा है, जो कि कलर कोई पेंटिंग नहीं, ब्लैक ऑनेक्स है, जो फ्रॉम बेल्जियम से मंगेगा प्लेन मार्बल को, हाफ इंच मार्बल कट करके उसके अंदर ब्लैक ऑनेक्स फिट किया गया मार्बल के अंदर। ऐसे हमारे हिंदू में भगवत गीता लिखी है, ऐसे कुरान लिखी गई अरबिक में, दिस द फर्स्ट लेटर फॉर द मॉर्निंग पीरियड, सूर्य फसल। क्यों मुगल टाइम द यूज ऑफ बीआईपी गेट द वेस्ट गेट, दिस आगरा फॉर द वेस्ट गेट 1 किलोमीटर सर। दिस साजन मुमताज आगरा फॉर द हाउस, साजन गेट से अंदर आते थे, इस लेटर को पढ़कर ही ताजमहल एंट्रेंस करते थे सर। ऐसे तो रूम देखना चाहता सर, मुझे रूम देखना था, टोटल 210 रूम्स एंड 210 रूम सर। आपने सुना होगा मीना बाजार के बारे में सर, वो पहले नहीं लगता था मैम, मीना बाजार से क्यों बंद कर दिया, क्राउड खत्म करने के लिए, क्यों ज़्यादा टूरिस्ट आता ताजमहल देखने के बाद, जो आगरा की फेमस चीज़ें हैं जो मुगलों जो ममता यूज़ करती थी ज़्यादातर मैम, मीना बाजार का लेडीज साउंड मिलता था मैम, इसलिए क्राउड खत्म करने के लिए मीना बाजार का आउटसाइड सेव कर दिया मैम। जो आपकी टिकट में इंक्लूड है आपको दिखाऊंगा फॉर यू आउटसाइड। अच्छा, यस, एनी डाउट एनी क्वेश्चन सर? ये 210 रूम्स का क्या सिग्निफिकेंस है? ये 210 रूम्स किस लिए हैं? पहले मीना बाजार से पहले सर आपको बता दो, उस टाइम पे कोई होटल वगैरह रूम थी जो टूरिस्ट चाहता था घूमने के लिए, गेस्ट रूम थे सर। अच्छा, ये गेस्ट रूम थे पहले सर। ओके, जो पार्किंग पहले सब अंदर लगती थी सब, ये क्राउड ये पोल्यूशन वगैरह की क्राउड थे, पार्किंग नहीं थी पहले, पहले अंदर लगती थी बहुत पहले से, मैं भी नहीं था। अच्छा, हां, क्राउड इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, इतना बहुत नहीं था, पॉपुलर नहीं था, सिर्फ पोल्यूशन आजकल फेमस होने थोड़ा बढ़ने लगे, डिपार्टमेंट आवे मेंटेनेंस करने लगे, सब मैंने चेंज होते लगे सब। ठीक है, एक चीज हम ताजमहल सिमेट्रिक बिल्डिंग है, फिर सेंटर लाइन फुल, तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ताजमहल का। वेस्ट गेट यहाँ पे है, ईस्ट गेट यहाँ पे है, नॉर्थ गेट सामने है, और ये पीछे यहाँ पे साउथ गेट है, लेबर गेट, लेबर गेट, लेबर गेट, लेबर गेट है ये साउथ में है, लेकिन लेबर यहाँ से आती थी। ठीक है, लेबर यहाँ से आती थी, लेबर कॉलोनी गेट सुबह 8 से लेके शाम के 5 बजे तक खुलता है। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट से खड़े होकर अगर मैं सामने देखूँ तो आप देख सकते हैं सिमेट्री, देख सकते हैं ये एक आर्च है, ये एक आर्क है, उसके अंदर वो वाइट वाला है वो भी एक आर्क है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी है कि अगर सामने जाओगे तो आपको वो दूर होता हुआ दिखेगा, और अगर आप वापस पीछे की तरफ आओगे तो वो पास आता हुआ दिखेगा। तो नेकेड आई से तो ये दिख रहा था, मोबाइल से पता नहीं पता चलेगा कि नहीं, ट्राई करते हैं। हाँ, वाह क्या नज़ारा है, आगे ना भी जाओ यहीं से खड़े होके देखते रहो तो भी बहुत है, वाह। ये देखो सन इस तरफ से राइज हुआ था। ये देखो पानी में रिफ्लेक्शन देखो ताज की, एकदम सिमेट्रिक, वाह। ये नॉर्थ गेट जहाँ से हम अंदर आए हैं, ये इतने बड़े बगीचे हैं यहाँ पे, ये बीच में पानी है,
छोटा सा पॉन्ड बना रखा है। अच्छा फाउंटेन भी है क्या यहाँ पे, पता नहीं। ये ताजमहल है सामने, ये थोड़ा सा फोटोग्राफी पॉइंट है, इस तरफ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अभी तो शुरू हो गया ना, ये देखो पोज कैसे बना रहे हैं कैमरामैन, पोज किस तरह से बनवा रहे हैं। देखो वहां पे भी पोज चल रहे हैं, उस तरफ भी। सो इस बिल्डिंग के सामने ये जो यहाँ पे बेंच है ये बहुत फेमस है, और इस पे बैठने के लिए फोटो खिंचाने के लिए रोटेशन से नंबर आता है। वो जो सामने गेट है, उस गेट में उस वाइट वाले डिजाइन के अंदर जो ब्लैक लेटर्स लिखे हुए हैं वो अरेबिक में लिखे हुए हैं, दैट इज द इवनिंग प्रेयर। और जब उस तरफ से हम आ रहे थे तो मॉर्निंग प्रेयर लिखी हुई थी, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। नहीं वो तो उस पे लिखी हैं, उस वाइट वाली बिल्डिंग पे। अच्छा अच्छा, ये रॉयल गेट है जहाँ से शाहजहाँ आते थे, वहाँ पे एक छोटा सा गेट है जहाँ से लेबरर्स आते थे। ये ड्रम हाउसेज हैं, जब रॉयल एंट्री होती थी शाहजहाँ की तो यहाँ पे ड्रम बजा करते थे। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, ये गेस्ट हाउस था, और वो जो बिल्डिंग है उस तरफ वो जामा मस्जिद है। इट पॉइंट्स टूवर्ड्स दी वेस्ट, तो वहाँ पे प्रेयर्स होती हैं। इसके जितने भी पिलर्स हैं, जो मिनरेट्स हैं, ये बाहर की तरफ फेसिंग है, ताकि अगर अर्थक्वेक आए तो ये ताज महल के ऊपर ना गिरें, बाहर की तरफ गिरें। क्या थॉट है। ये मस्जिद का क्लोजअप देख सकते हैं आप लोग। इन सारे स्ट्रक्चर्स को, इन सारी बिल्डिंग्स को कंटिन्यूसली मेंटेन किया जाता है। जिन्होंने ताजमहल बनाया था वो पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे, उनकी अगली 17 जनरेशंस भी यहीं रहती हैं आगरा में। 70 ओ, तो वो मेंटेन करते हैं इसको, दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू दिस। और जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है वो हाथ से ही होता है, कोई मशीन का यूज़ नहीं होता। टिशू कवर पहननी है वही अंदर वाइट वाली बिल्डिंग में जाने के लिए। वन मोर थिंग सर, आपने सुना को वर्कर के हाथ कटवा दी थी सर, इसका रियल बात आपको बता दूं मैं, कि स्टोन एक पतला पतला था, मार्बल वेरी हार्ड मार्बल में, इसको स्टोन को फ्लावरिंग शेप देने के लिए ओनली मुगल टाइम पर मशीन, कोई लाइट मशीन नहीं था, ओनली हैंड यूज, क्योंकि वर्कर के फ्लावर को शेप देने के लिए ओनली हैंड यूज़ किया गया था, कि मार्बल इनको फ्लावर की शेप देने के लिए हल्के फिंगर किस गए थे, हाथ नहीं काटे थे, इन्हें ब्लड आ गया था फिंगरों में। काम करते करते जिस स्टोन को फ्लावर की शेप देख ली, फ्लावर को शेप देने के लिए, नो नो नो, चैनी थोड़ा, मैंने बताता था मार्बल वेरी हार्ड, ओनली चैनी थोड़ा सा मार्बल कट कर सकते हैं, स्टोन वेरी मार्बल पतला पत्थर होता है मैम, इसको चैनी जूस पूरा खत्म हो जाएगा, इसको फ्लावर की शेप देख लिया, ओनली हैंड यूज किया था मैम, वर्क को काम करते करते फिंगर कैसे थे, हाथ नहीं काटे थे मैम, इसलिए आज उनकी 70 जनरेशन यही काम करती सर। इसको कितना घिसा हुआ है आजकल तो वो मशीन आती है। ये अगर आप देखो तो ये पेंटिंग नहीं है, ये स्टोन है, मार्बल के अंदर इनलेज बना रखे हैं, और हर इनले के अंदर प्रेशियस स्टोन्स लेके ये डिजाइन दिया हुआ है, और वो लगाया हुआ है इसमें, और ये हाथ से घिसाया जाता था ये शेप देने के लिए, क्योंकि अगर इसमें हथौड़ा मारोगे या कोई टूल मारोगे तो सारा टूट जाएगा। हाथ से ये सारा बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक ही पीस है सारा, ओह ये एक पीस है भाई इतना बड़ा। ये अभी ताजमहल यहाँ से एंट्री है, यहाँ जा रहा हूँ, अंदर फोटो लेनी अलाउड नहीं है। ये ताजमहल की बैक साइड है, और ये वही है गेस्ट हाउस इस तरफ, और इस तरफ मस्जिद, ये मिनरेट है, और अब ये पीछे आप देख सकते हैं सामने, ये यहाँ पे इधर यहाँ सामने ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, जो शाहजहाँ अपने लिए बनवाने वाले थे, बट औरंगज़ेब ने मना कर दिया, आगरा फोर्ट में जेल में रख दिया, और इसलिए इसका फाउंडेशन तो बन गया लेकिन स्ट्रक्चर कभी नहीं बन पाया। सामने जो गार्डन है वो ब्लैक ताजमहल का ही है। व्यू बहुत गजब है यहाँ से। ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाऊं, ये देखो पूरा प्लेन है, ठीक है, ये भी प्लेन है ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी प्लेन है, देख सकते हैं, और इसको पूरा ऊपर तक देखो, यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे एक 3D इफेक्ट हो। ये प्लेन है लेकिन जैसे जैसे ऊपर देखते रहोगे ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक स्टार शेप में है, और दूर से तो और भी ज़्यादा प्रोनाउंस दिखता है। थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ, अब देखो
काफ़ी ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं इसमें, यहाँ तक कि जहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ है ना तो नीचे थोड़ा सा बड़ा है फॉन्ट साइज, नो और नहीं नहीं नीचे थोड़ा छोटा है ऊपर बड़ा है, और वो इसलिए था कि जब कोई नीचे से ऊपर तक देखे तो फॉन्ट साइज उसको कॉन्स्टेंट नज़र आए, ये चीज़ें गाइड ने बताई है हमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देख लो ये अरबिक लेटर्स में जो लिखा हुआ है एकदम कॉन्स्टेंट फॉन्ट नज़र आता है। ताजमहल की जो हाइट है दैट इज़ 81 meters, जो वाइट मार्बल है उसे मुल्तानी मिट्टी से और किसी केमिकल से साफ़ किया जाता है एक पेस्ट बना के, एंड उस डोम के ऊपर जो आप ये देख रहे हो ऊपर, ये जो है इसका मटेरियल है ब्रास, और ये 30 फुट ऊंचा है, मतलब इसकी लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर 30 फुट एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा डायमेंशंस जो मेरे को गाइड ने बताई है मैं वो बता रहा हूँ। तो जो गाइड का फॉर्म निकला हुआ है मैं बता दूँ, फॉर्म अगर आप भरते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है, और आपको अंदर आने के लिए टूरिस्ट को घुमाने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे साथ जो भैया हैं इन्होंने अभी फॉर्म भरा हुआ है, भरेंगे, अभी इनका वो लाइसेंस नहीं मिला हुआ, इनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, तो ये जब अंदर आते हैं तो इनकी टिकट लगती है, सो इनकी टिकट के लिए टूरिस्ट पे करता है, तो ये डिफरेंस है। जो ताजमहल के चारों तरफ वो चार मिनारेट हैं, ये देखो अब दिख रहा है ना कि वो थोड़ा सा टिल्टेड है ताकि वो बाहर जाके गिरे जब अर्थक्वेक को, उस टाइम पता नहीं चल रहा था, अब काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है वीडियो में। सो एक मिनारेट की हाइट जो है वो है 160 फुट, ये मैंने अभी अभी पूछा है, मैं कहा ये रह गया था पूछ लेता हूँ। एक बार जाते जाते बाय कर देते हैं ताजमहल को, बाय। ये छोटा गेट है, यहाँ से एग्ज़िट है, ये छोटा गेट वही है शायद जहाँ से लेबरर्स आया करते थे, और ये नॉर्थ गेट यहाँ से तो शाहजहाँ जी आया करते थे।